हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस का ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस का ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पर 3 डॉट के निशान पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे 15 अगस्त पोस्टर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो PNG लगा रखा है। तो दोस्तों, आप लोग ये फ़ोटो PNG चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फ़ोटो PNG है वहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। साथ ही प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके हम लोग नई फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस और शुभकामना जो लिखा है वो डीजी फॉन्ट है। तो अगर आप लोग के पास इससे भी बढ़िया कोई डीजी फॉन्ट है तो उसे यूज़ कर सकते हो या इसे ही रहने दे सकते हो। अब दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रुप फ्रेम लगा रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना, अपने दोस्तों का, अपने गाँव के लोगों का फ़ोटो PNG लगा के अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ भी फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से फ़ोटो PNG हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसको जितना भी हमें चाहिए उतना क्रॉप करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने एक फ़ोटो PNG ऐड कर दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग बाकी की फ़ोटो PNG भी यहाँ पे ऐड करके अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।